आपको बताएं अफसोसनाक ये सूरतेहाल पेश आई और इसी पर बात करेंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अफसोसनाक वाकया मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में पेश आया है और वही सवाल जो ऐसा वाकया पेश आने के बाद हर बार किया जाता है कि जो मुतालका हुकाम है वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जो मुतालका टूल्स हमें चाहिए होते हैं ऐसी सूरतेहाल से निपटने के लिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए, एक तो जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो गली तंग है और वहाँ हैवी मशीनरी का एंटर होना जो है वो मुमकिन नहीं है। मुझे तकरीबन 8 बजे के करीब ये पता चला वाकये का, और उसके फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई है, एसएसपी से बात हुई है, जो डीएमसी के चेयरमैन है मेरी उनसे बात हुई है, हमारे एक मिनिस्टर मलीर में ही रहते हैं, मैंने उनसे गुजारिश की कि वो फौरन वहाँ पहुँचें। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई मेरी और उन्होंने भी कुछ हिदायत दी हैं। मैं और भी सरकारी अफसरान से रबते में हूँ और हमारी कोशिश ये है कि अगर बड़ी मशीनरी वहाँ इंटर नहीं हो सकती तो एक तो मैनुअली जो PDMA है उनसे भी हम कुछ सपोर्ट ले लें और कुछ और इदारे हैं जो मैनुअली इस काम को बेहतर तौर पर कर सकते हैं उनकी मदद लेकर किसी तरह से जो लोग अगर मलबे के तले हैं तो उनको बचाने की कोशिश करें। सईद गनी साहब, हैवी मशीनरी अगर पहुँचना नामुमकिन है जैसे आपने बताया, ऑल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव, दो अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, एक खातून भी उसमें शामिल हैं, बच्चे भी यकीनन होंगे क्योंकि रिहायशी इमारत थी। क्या ऑल्टरनेटिव है जो हम इस हवाले से अप्लाई कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को भी कहा है और जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनसे भी कमिश्नर कराची ने रब्ता किया है और उनसे भी वो मंगवा रहे हैं, उनके पास कुछ ट्रेंड लोग भी होते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो इस किस्म की सूरत हाल में काम आ सकते हैं, तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सईद गनी साहब, जो आप भी बात बता रहे हैं इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कराची में बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं, बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनकी गलियाँ बहुत तंग हैं और इमारतें आप भी जानते हैं कि यहाँ पर 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला इस तरह इमारतें तामीर की जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी नाखुशगवार वाक़या जब पेश आता है तो फिर क्या हम यही तवक्को करेंगे कि हैवी मशीनरी यहाँ पर ना आए और मैनुअली ही काम करना पड़े? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि इदारों की तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लेआउट प्लान में जितनी गली होती है उतनी होनी चाहिए और उसके अलावा जितनी उस एरिया के अंदर बिल्डिंग प्लान अप्रूव होते हैं उसी तरह तामीरात होनी चाहिए, लेकिन इदारे भी कोताही करते हैं और जब गलियों में लोग इंक्रोच करते हैं 3-3, 4-4 फुट दोनों तरफ से आगे बढ़ते हैं तब उन्हें नहीं रोका जाता और उसके बाद अगर इजाजत ग्राउंड प्लस 1 की होती है तो वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें तामीर हो जाती हैं। अब इसमें बिल्डिंग कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बदकिस्मती से वो हमारे कराची में ये बहुत कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता रहा है, इस तरह की इमारत तामीर हो गई हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं होता हमारे लिए कि हम तमाम इमारतों को किस तरह गिरा सकते हैं, लेकिन कम से कम